नहीं, अभी एक घर पसंद आया तो गाइस कितना प्यारा घर है यार। रूम ठीक है यार, यहाँ पे रूम है ही नहीं अवेलेबल। भाई कितना सामान है, गाइज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी हो रहे हैं सुबह के, बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं इसलिए रेडी हुई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ चंडीगढ़। अब मैं क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ सब मैं आपको बाद में बताती हूँ। फिलहाल मैं लेट हो रही हूँ और निकलती हूँ। बेचारे इसको भी कुछ छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा है यार, तो छोड़ो जाना तो मेरे को पड़ेगा ही। अब इसको शायद मैं घर भेज दूँगी, इसको गोलू ही रखेगा। अगर कुछ प्लान बना तो शायद ये मेरे पास ही आ जाए चंडीगढ़, बाकी देखते हैं जैसा जैसा होता है। बाय स्कूबी, ओ बाय बच्चा, बाय बाय, ढंग से रहियो ठीक है, बाय, अच्छे से रहियो। तो हम लोग निकल चुके हैं चंडीगढ़ के लिए और थैंकफुली हमें बस मिल चुकी थी, मतलब जैसे ही हम लोग वहाँ गए वहाँ पे बस लगी हुई थी। तो हम लोग फटाफट से बैठे और सामान सारा का सारा डिक्की में रखा हुआ, देखते हैं उसकी हालत वहाँ पहुँचने तक क्या होती है। तो अभी हम लोग रुके हैं सोलन में लंच करने के लिए क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था। तो गाइज हम लोग पहले चंडीगढ़ पहुंच चुके थे और उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट करा, तो अभी हम लोग डिनर करने के लिए आए हैं क्योंकि गोलू की फरमाइश थी कि डिनर उसको बाहर करना है। फोन देखने के चक्कर में ना इस साइड को चलते हैं ब्रेकफास्ट करने यार गोलू। तो गाइज कल रात को मतलब हम लोग पहुँच गए थे, मैं बहुत ज़्यादा थकी थी इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। और अभी हम लोग जा रहे हैं पहले ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद जाएंगे कुछ इंस्टीट्यूट पता करने। क्यों देख रहा है तू मेरे को ऐसे? यहाँ से है बाहर निकलने की जगह? और आज का मौसम शुक्र है धूप लगी है और ठंडा ठंडा सा है मौसम यहाँ पे। तो अभी पहले हम जा रहे हैं 25 सेक्टर तक, वहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे काउंसलिंग के लिए जा रही हूँ। उसके बाद देखते हैं शायद नया गाँव जाएंगे पीजी रूम वगैरह देखने के लिए। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं एकेडमी, सब देखते हैं यहाँ पे एक एक करके। तो गाइस इंस्टीट्यूट्स और रूम्स वगैरह देख के हम लोग पहुंच गए थे वापस, और अभी मेरी शक्ल देख के आप लोगों को लग ही रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ। और नया गांव में तो इतने वाहियात रूम्स थे ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी तो फिलहाल मुझे मतलब इंस्टीट्यूट्स का पता किया है 2-3, तो मंडे से जाऊँगी डेमो क्लासेस लगवाने के लिए। बाकी रूम्स का अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मेरे को कोई रूम पसंद ही नहीं आया, इतने गंदे रूम्स थे और उनका रेंट इतना ज़्यादा हाई था जो इतना होना नहीं चाहिए। बाकी कल दोबारा जाते हैं, देखते हैं जैसे जैसा होता है, अगर मन किया तो ही जाऊंगी कल क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, नहीं तो मेरे को कल रेस्ट ही करना है। बाकी परसों देखते हैं फिर, नहीं तो। तो गाइज आज रूम ढूंढने का है हमारा तीसरा दिन। कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हम लोग निकले ऐसे ही शाम के टाइम। तो कल मैं अभी मनी माजरा से पहुंची थी और ये भी कालका से आए थे स्पेशल मेरे लिए ताकि रूम मिल जाए टाइम से। बाकी अभी देखते हैं, आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, आप लोगों को इसी में चल रहा होगा पता कि कितनी तेज़ धूप है, पर ऐसे में हम लोग निकले अभी रूम ढूंढने। अभी बज रहे हैं 1:30, देखते हैं कब कितना मतलब टाइम लग जाता है हमें रूम ढूंढते ढूंढते, कितने धक्के खाने पड़ते हैं हमें। और अभी ऐसे ही है यार चंडीगढ़ में रूम ढूंढना, मतलब अब पता चल रहा है क्योंकि जब मैं खरड़ में थी तब इतने धक्के नहीं खाए थे जितने अभी खा रहे हैं। तो गाइस 3-4 घर देख के आ चुके हैं हम लोग, बट हमारे को अभी तक ऐसा कुछ पसंद आया नहीं। अभी एक घर पसंद आया था, इतना अच्छा और इतना प्यारा घर था, रुको आप लोगों को दिखाती हूँ, बट यहाँ पे रूम्स है ही नहीं अवेलेबल। तो गाइस कितना प्यारा घर है, ऊपर से धूप में हमारी हालत ऐसी हो चुकी है अभी तो अभी हम थोड़ी चले होने ना, और ऐसी गलियाँ हैं यहाँ की कुछ हम रास्ता भूल चुके हैं। नहीं नहीं याद है यार, अभी तो यहाँ से पीछे तो जाना है। तो गाइस अभी हम लोग एक और रूम देखने आए हैं, ये अभी बन ही रहा है, तो ये इसका वॉशरूम है और देख सकते हैं कितना प्यारा रूम है। बट मेरे को एक डाउट है कि ये फ्लैट टाइप लग रहा है मेरे को, बाहर भी बहुत अच्छा है यार। अभी तो यहाँ पे भी काम चल ही रहा है, बाकी ये एक रूम है, ये दूसरा रूम है, पर हमें चाहिए सिंगल रूम। अब पता करते हैं उनसे सिंगल रूम है अभी कि नहीं। और सबसे अच्छी बात मंदिर भी बनाया है यार वहाँ, ये किचन है। रूम तो मिल रहे हैं और यहाँ से बाहर का है, ये भी है एक रूम ना, यही है जो अंदर से बंद था यार। रूम ठीक है यार, ये भी अच्छा है, वो सिंगल के लिए बोल रहे हैं जैसे कि पार्टीशन करेंगे उनका, वेट करते हैं।
तो गाइस अभी बज रहे हैं 4 और हम लोग 1:30 बजे के निकले थे। अभी हमारे को 15-20 मिनट ही हुए हैं ना रूम पहुंच के। तो इतनी जगह हम लोगों ने रूम देखा, एक रूम हमारे को इतना अच्छा लगा था, फर्निश्ड था, सब कुछ था, बहुत ही बढ़िया था। ओनर भी वहाँ के अच्छे थे, बट उसका रेंट बहुत ही ज़्यादा था सिंगल के लिए, तो 8,000 बहुत ज़्यादा थे। और उन्होंने ये बोला कि अगर एसी लगवाएंगे तो एसी लगवा के तो 8,000 से भी ज़्यादा पड़ जाएगा रूम। तो फिर ऐसे में सिंगल रूम तो देखते हैं। अभी नया गांव में एक रूम हमें यहाँ पता है चला हुआ, तो उनके ओनर को कॉल करी थी, तो उन्होंने बोला कि 6 बजे के बाद आना, वहाँ पर जाके देखते हैं कि वो रूम कैसा है। बाकी तो हमारे को कोई भी रूम पसंद नहीं आए हैं, या तो रूम छोटे हैं, या तो फिर किसी रूम में सीलन है, या किसी रूम में सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी देखते हैं क्या बनता है, क्या कैसा कैसा होता है, मैं बताती हूँ। तो गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं सेकंड राउंड पे, और अब हम जा रहे हैं नया गांव जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे बात की हुई है, जाके देखते हैं। बस होप सो, फिंगर्स क्रॉस्ड कि अच्छा रूम मिले वहाँ पे। बाकी जैसा तय दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये हम लोग निकल चुके हैं नया गाँव को, अब देखते हैं वहाँ पे कैसा रूम है, क्या है। तो गाइज आज है 30वां दिन, पर मैंने कुछ स्टार्टिंग में शक्ल कैसे बना रहा था आपको मैं अच्छा आपने और नहीं किया, कोई बात नहीं चलता है। तो आज है 30वां दिन, पर आज हम लोग रूम देखने नहीं आए हैं क्योंकि रूम हम लोगों को कल मिल चुका था। अभी हम लोग आए हैं सेक्टर 16 हॉस्पिटल, क्योंकि इनके दांत में दर्द है तो वो दिखानी है, और उसके बाद हम लोग रूम का जो थोड़ा बहुत सामान है वो लेंगे। बाकी देखते हैं कैसे कैसे होता है, आप लोगों को दिखाती रहती हूँ आगे। तो गाइस हम लोग हो चुके हैं हॉस्पिटल से, और आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ धूप है आज भी। आज तो मेरे को कल से भी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ये तो 1 घंटे तक कुछ खा नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि सफाई हो गई है इनके दांतों की। तो अभी देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो शायद पहले हम खाने ही जाएंगे, मतलब आधा घंटा तो हो ही गया ना बाहर वेट करते करते, आधा घंटा बचा वो ऑर्डर करते करते इतना ही हो जाएगा, तो देखते हैं। तो गाइस मनी माजरा से हम लोग सामान लेके आ चुके हैं, और अभी हम लोग रूम भी देख के आ गए हैं। बस अभी हम लोग सामान लेने जा रहे हैं, मतलब सफाई का सामान लेंगे पहले, तो बाकी जो जो जैसा जैसा होगा वैसे वैसे धीरे धीरे करते हुए लेते रहेंगे। बाकी थक गए हैं बहुत ज़्यादा, अभी सफाई करके और थक जाएंगे। तो गाइज यहाँ से हम लोग आए तो थे थोड़ा बहुत सामान लेने की, हमें लगा यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान मिल जाएगा, बट यहाँ पे हमें पूरा का पूरा, मतलब मैक्सिमम सामान हम लोगों ने यहीं से ही लिया है, आधे से ज़्यादा सामान हम लोग यहाँ से लेकर गए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई हमारे साथ कि एक ही जगह पे सारा सामान मिल गया, बाकी जितना जितना वो अभी लिया, बाकी रूम जाके देखेंगे कि। तो गाइज ये है रूम, और ये बेड लगा हुआ, ये हम लोग अभी लेकर आए हैं सफाई के लिए, और इन्होंने ये एक अलमीरा दी हुई है, और यहाँ पे ये है किचन, और यहाँ से है वॉशरूम। तो अभी हम लोगों को इसकी सफाई करनी है, अच्छे से शेल्फ शूल साफ करते हैं और नीचे पूछा पूछा मारते हैं। ऐसे तो है साफ ही है, बट थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं, फटाफट से लग जाते हैं फिर काम पे अभी, क्योंकि यहाँ से बहुत गंदा है। गाइस जितना काम हमसे हो सकता था हमने कर लिया है, अब हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, अब बस थोड़ा बहुत यहाँ पे कपड़े वगैरह सेट करने को रहते हैं, गद्दे वगैरह सेट करने को रहते हैं, इतना काम कि हमने किया, अंधेरा ही हो गया है यहाँ पे। तो गाइस आज हमारा 3रा दिन है रूम का सामान लेते हुए, तो अभी भी हम लोग नया गाँव जा रहे हैं। मतलब पहले हम सोच रहे थे कि 15 या 22 चले जाएंगे, फिर हमने सोचा कि नया गाँव में भी अच्छा मिल जाता है और रेट काफ़ी अच्छा है वहाँ सब, 22 और 15 से भी काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग सोच रहे थे कि एक बार वहाँ देख लेते हैं, तो फटाफट से जाते हैं। और अभी बहुत ज़्यादा ही तेज़ धूप है, 3:30 पौने 4 हो रहे हैं, मेरा गला भी थोड़ा बैठा हुआ है और जुकाम वगैरह भी लग गया है, पर देखते हैं कैसा कैसा होता है, फिलहाल यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं नया गाँव, और अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था, और आप लोग देख सकते हैं कि नया गाँव की गलियाँ कैसी है। बस मैक्सिमम सामान हम लोगों ने ले लिया है, अब बचता है राशन का सामान, जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, देखते हैं अभी ले लें ये ना, वैसे अगर देखते हैं कि सही रेट मिला तो। बाकी ज़्यादा सामान हम लोगों ने रूम पहुँचा दिया है, रूम में आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या लिया हुआ है।
तो गाइस इस प्रकार से है कुछ रूम अभी फैला हुआ बिखरा हुआ, मतलब सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ है, अभी कुछ नहीं किया है। तो गाइस अब कर रहे हैं हम लोग कपड़े सेट, जितने भी कपड़े सारे अलमीरा में रख, और एक बैग में जितने भी कपड़े थे वो सारे खराब हो चुके थे, गीले हो चुके थे बस की डिक्की में। और अब हमारे साथ बहुत बड़ा खप हो गया, ये देखो लाइट चली गई। तो अब मैं एक एक करते हुए बुक्स सेट कर रही हूँ इस पर, और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी, जितनी भी मतलब बुक्स थी उस नीचे वाले दो रैक्स में ही आ चुकी थी। ऊपर वाले रैक में हम लोगों ने थोड़ा बहुत सामान रख दिया था, और सबसे ऊपर मैं सोच रही थी कि यहाँ पे मंदिर रखूँगी, बाकी देखते हैं कैसा होता है, कितनी बुक्स कैसे कैसे आती है, आप लोग भी देखिए। फाइनली ना रूम सेट हो चुका है, इतनी मुसीबतों के बाद रूम मिला, इतनी मुसीबतों के बाद रूम शिफ्ट हुआ, और काफ़ी मतलब एक हफ्ता ऑलमोस्ट लग ही चुका है। तो रूम कैसा शिफ्ट हुआ है, क्या क्या किया है, वो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को अपने अगले व्लॉग में, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं बची है कि मैं रूम दिखा सकूं, क्योंकि कंटिन्यू हम लोग सफाई कर रहे हैं, कंटिन्यू सामान ले रहे हैं, और कंटिन्यू फिर रूम ढूंढ रहे थे, तो एक दिन का भी रेस्ट नहीं मिला। तो इसलिए अगले व्लॉग में दिखाऊंगी कि रूम कैसे सेट हुआ है। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले व्लॉग में।